हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने ऐसा दांव खेला कि कांग्रेस की नैया ही डूब गई, क्योंकि क्रॉस वोटिंग से अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा, जिससे कांग्रेस आलाकमान बुरी तरह बिलबिला गया और अब कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई को सीडब्ल्यूसी की सदस्यता से हटाने के साथ साथ पार्टी से निलंबित करने की तैयारी में है। इसके अलावा विधानसभा से सदस्यता रद्द करने के लिए अध्यक्ष को पत्र भी लिखा जाएगा। तो वहीं इस वोटिंग के बाद कुलदीप बिश्नोई की भी खुली बगावत देखने को मिली है। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। अब कुलदीप बिश्नोई के इस रवैये को देखकर लग रहा है कि वो कांग्रेस से जल्द खुद ही पल्ला झाड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी से छुट्टी के संकेत के बाद भी कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्विटर अकाउंट के कवर इमेज को नहीं बदला है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में बड़ा भूचाल जरूर आने वाला है, इसके संकेत मिल चुके हैं। तो वहीं राज्यसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिटर्निंग ऑफिसर आर के नंदन ने बताया कि बीजेपी नेता पवार को 36 वोट मिले, जबकि कार्तिकेय शर्मा के खाते में 23 वोट गए और 6.6 वोट बीजेपी से स्थानांतरित होकर आए, जिससे उनके मतों की कुल संख्या 29.6 हो गई। इस मुकाबले में माकन को 29 वोट हासिल हुए, लेकिन दूसरी वरीयता का कोई वोट न होने के कारण वो हार गए, जिससे कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में एक वोट 100 के बराबर माना जाता है। हरियाणा में कुल 90 विधायकों में से 89 ने वोट डाला था, जबकि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने मतदान नहीं किया था। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के एक वोट को रद्द कर दिया था, इसलिए यहां 88 वोट बचे थे, यानी 8800 वोट। अब ऐसे में जीत के लिए 8800 भाग 3 जमा 1, यानी 2934 वोट चाहिए। बीजेपी के कृष्णलाल पवार की जीत के बाद 66 वोट बच गए, जो कार्तिकेय को ट्रांसफर कर दिए गए। कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन को 29-29 वोट मिले थे, यहां तक दोनों बराबर थे, लेकिन बीजेपी के 66 वोट मिल जाने के बाद कार्तिकेय के वोट 2966 हो गए और उनकी जीत हो गई। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग और एक वोट अवैध होने के कारण ये पूरी बाजी पलट गई। तो कांग्रेस अजय माकन की जीत को लेकर जो दावे कर रही थी, उन पर कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग ने पानी फेर दिया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा को अपना वोट दिया और बीजेपी ने भी कार्तिकेय शर्मा को ही समर्थन दिया, जिससे कार्तिकेय जीत गए और कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में चारों खाने चित हो गई। हार की बौखलाहट में ही कांग्रेस अब कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई करेगी। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।